माइक्रोमैक्स याद है आपको, इन्होंने अपना पहला एंड्रॉइड फोन 2010 में निकाला था। एंड बीइंग अ होम ग्रोन इंडियन ब्रांड, ये इंडिया के मार्केट के काफी बड़े जायंट्स जैसे सैमसंग को भी टक्कर दे रहे थे। लेकिन चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के आने से माइक्रोमैक्स के लिए स्ट्रगल का टाइम शुरू हो गया। एंड इन्होंने इतना मार्केट शेयर लूज कर लिया दैट इट जस्ट डिडंट मेक सेंस एनीमोर फॉर देम टू स्टे इन बिजनेस। 2020 में एंटी चाइना सेंटीमेंट बढ़ रहा था, तो माइक्रोमैक्स को एक और मौका मिल गया एंड दे डिसाइडेड टू मेक अ कमबैक। इन्होंने इन नाम से ब्रांड न्यू लाइनअप इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इट फील्स लाइक कि ऑल ऑफ दिस वाज जस्ट क्विक रिच स्कीम फॉर द कंपनी। 2021 में इन वन के यूजर्स ने नोटिस किया कि फोन अपडेट करने के बाद उनका बैटरी रन टाइम कम हो गया है। इन एक्सट्रीम केसेस लोगों के फोन की बैटरी स्वेल हो रही थी। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे कंप्लेंट्स डाली, लेकिन टिल डेट कंपनी का उन कंप्लेंट्स पे कोई रिस्पांस नहीं आया है। मोर इम्पोर्टेंटली, इन्होंने अभी तक एक भी 5G फोन रिलीज नहीं किया। दिस वॉज देयर चांस टू मेक अ बिग स्प्लैश इन द मार्केट। वॉज